हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। आज की क्लास में क्वेश्चन सेशन में अपन फिर डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट किए गए हैं। तो ये आने वाला वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन के पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड हु इज अफेक्टेड विद बेल्स पाल्सी, मॉनिटरिंग ऑफ द अफेक्टेड आई हैज टू बी डन टू प्रिवेंट। मीन्स एक बेल्स पाल्सी का पेशेंट है और बेल्स पाल्सी जो है वो जनरली जो फिफ्थ क्रैनियल नर्व होती है जिसको अपन फेशियल नर्व बोलते हैं, सॉरी सिक्स्थ क्रैनियल नर्व जो होती है जिसको अपन फेशियल नर्व बोलते हैं, और उस फेशियल नर्व की डिफॉर्मिटी की वजह से क्या देखने को मिलता है अपने को, बेल्स पाल्सी देखने को मिलता है। और उसकी वजह से आईज जो है उसके अंदर प्रॉपर क्लोजर और ओपनिंग जो है वो नहीं हो पाती है। तो कौन सी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए आई को अपने को मॉइस्ट रखना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है केराटाइटिस, सेकेंड ऑप्शन है डैमेज ऑफ द रेटिना ड्यू टू लाइट, सेकेंड थर्ड ऑप्शन है कंजक्टिवाइटिस और डी है ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जनरली बेल्स पाल्सी का पेशेंट होता है उसके ओक्युलर जो मसल्स होती हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं नर्व डैमेज की वजह से, नर्व की किसी भी डिफॉर्मिटी की वजह से आंखें वो प्रॉपर बंद नहीं कर पाता। कंटिन्यूसली आंखें अगर खुली रहती हैं तो वो ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। कंडीशन को बोलते हैं केराटाइटिस। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केराटाइटिस। उससे बचने के लिए या तो आई को कंटिन्यूसली मॉइस्ट रखा जाता है या आई पैचेस लगा के उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताकि वो बाहर से हवा की वजह से क्या ना हो, ड्राई ना हो। ड्राई होगा तो कॉर्निया के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। म्यूकोक्यूटेनियस जो है उसके अंदर लिम्फ नोड सिंड्रोम होता है, उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, कवासाकी डिजीज, मेनामाता डिजीज, एडवर्स सिंड्रोम, लाफिंग सिंड्रोम। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवासाकी डिजीज। कवासाकी डिजीज है जनरली ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी इंटरनल वाल होती हैं उसकी डिफॉर्मिटी है, इसकी वजह से वहाँ के नियर बाई लिम्फ नोड जो हैं या म्यूक्यूटेनियस जो लेयर है उसके जो लिम्फ नोड है उनके अंदर भी एनलार्जमेंट अपने को देखने को मिलता है। डिजीज कंडीशन को बोलते हैं अपन कवासाकी डिजीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कवासाकी डिजीज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विद साइनोटिक हार्ट डिजीज ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद साइनोटिक स्पेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट इज, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है इनमें। तो बात करते हैं, एक पेशेंट है, एक बच्चा है जो कंजेनेटल हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहा है, उसको इमरजेंसी में लाया गया है और साइनोटिक स्पेल उसको रखा। साइनोटिक स्पेल मीन्स पूरा बच्चा है उसका कलर ब्लू हो रखा है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो रखी है, उस केस के अंदर नर्स क्या करेगी? फर्स्ट वन, प्लेस द चाइल्ड इन हाई फाउलस पोजिशन, स्टार्ट द आईवी फ्लूइड, डिक्रीज द हाइपोक्सिक स्पेल, और नेक्स्ट वन है मिनिमाइज द एक्टिविटी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा, जिस कंडीशन की वजह से बच्चा आया है उस कंडीशन को क्या कर दो, मिनिमाइज कर दो, यानी हाइपोक्सिया को क्या कर दिया, कम कर दिया जाता है। जनरली ऐसी कंडीशन के अंदर जो साइनोटिक स्पेल होता है उसके अंदर बच्चे को नी चेस्ट पोजीशन जो जनरली दी जाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। पूछ जाते हैं कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, तो उसमें नर्स की प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? टू डिक्रीज द हाइपोक्सिक स्पेल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद विम्स ट्यूमर ड्यूरिंग द असेसमेंट, द नर्स एक्सपेक्ट टू डिटेक्ट। मीन्स एक बच्चा है जो डायग्नोज हुआ जिसको विम्स ट्यूमर है, विम्स ट्यूमर जो है किडनी के अंदर पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो होता है, उस केस के अंदर जनरली नर्स असेसमेंट कर रही है और नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन देखिए, ग्रॉस हेमेचूरिया, डिस्यूरिया, ओलिगोयूरिया एंड लास्ट वन है एब्डोमिनल मास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एब्डोमिनल मास। जनरली फ्लैंक रीजन के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपने को पैनलेस
एब्डोमिनल मास दिखाई देता है, वहाँ कोई भी पेन जो है वो नहीं होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर पालपेशन जो है वो जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होता है, क्योंकि ट्यूमर रप्चर होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। रीनल बायोप्सी होती है वो भी जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बट बात करें अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन जो है विम्स ट्यूमर के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ग्रोस हेमेचूरिया नहीं देखने को मिलता है। अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाए तो मे बी वहाँ हेमेचूरिया प्रेजेंट मिल सकता है, बट ग्रोस हेमेचूरिया प्रेजेंट नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एब्डोमिनल मास। और एब्डोमिनल मास भी कैसा होता है, जनरली पेनलेस होता है, वहाँ कोई भी पेन अपने को फील नहीं होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ऑल आर कंपोनेंट ऑफ गोबी एफ थ्री एक्सेप्ट। गोबी एफ थ्री एक प्रोग्राम था जो यूनिसेफ ने दिया था। फुल फॉर्म जो है वो पूछी गई है, कौन सा कंपोनेंट उसका पार्ट नहीं। ऑप्शन देखिए, ए ग्लोबल वार्मिंग, बी मेल एजुकेशन, सी इम्यूनाइजेशन और डी फूड सप्लीमेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग। गोबी एफ थ्री जो है यूनिसेफ के द्वारा दिया गया था और इसका पर्पस क्या था, इसी नाम की फुल फॉर्म में लगा है। तो जी रिप्रेजेंट करता है जनरली ग्रोथ मॉनिटरिंग को, कितनी ग्रोथ पर्टिकुलर एरिया में जो यंग एज चिल्ड्रन है या इन्फेंट है उनके अंदर हो रही है। ओ रिप्रेजेंट करता है ओरल रिहाइड्रेशन को, बी रिप्रेजेंट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को, आई रिप्रेजेंट करता है इम्यूनाइजेशन को। उसके बाद तीन एफ थे, तीन एफ का मीनिंग अलग होता है। एक दो एफ जो अपने ऑप्शन में भी दिए गए हैं, फर्स्ट वन एफ होता है फीमेल एजुकेशन और एक एफ का मतलब होता है फूड सप्लीमेंट, थर्ड एफ का मतलब होता है फैमिली स्पेसिंग, यानी फैमिली प्लानिंग जो है वो किस हिसाब से करनी है वो भी इसका पार्ट था। तो इसके अंदर क्या है, जी रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ मॉनिटरिंग को, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका राइट आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट देखा जाए तो गोभी का पार्ट कौन सा नहीं इसके अंदर, ग्लोबल वार्मिंग। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कौन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाई अप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, यानी इनहेरिटेंस जो है अनुवांशिक जिसको बोलते हैं, उसके लॉ के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर ह्यूमन बींग की रेस जो है अलग अलग रेस जो उसके अंदर बेटरमेंट किया जाए उस चीज को अपन क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, जेनेटिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स। राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के अंदर अपन जो हैं वो रेस जो होती हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा लेस रेस जो होती हैं अलग अलग ह्यूमन बींग की उनका बेटरमेंट करते हैं। और यूथेनिक्स जो है उसके अंदर क्या करते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई भी प्रोसीजर जो है वो इंटरनली बिहेव को मॉडिफाई कर सके ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ऐसी एक्टिविटी अपन परफॉर्म करते हैं। जेनेटिक्स का मीन्स क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो भी हेरिटिकल चेंजेस कैरी किए जाते हैं किसके थ्रू किए जाते हैं, जेनेटिक्स के थ्रू। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यूजेनिक्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट किया जाता है जनरली क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज होती हैं अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर उनको डिटेक्ट करने के लिए, जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो फॉलोइंग में से ट्रिपल टेस्ट के अंदर तीन चीज़ों का टेस्ट किया जाता है, फॉलोइंग में से कौन सा पार्ट उसका नहीं है। ऑप्शन देखिए, अल्फा फीटोप्रोटीन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, सी एस्ट्रियोल और डी है प्रोजेस्ट्रॉन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जो है ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट का पार्ट नहीं है, बाकी ऊपर वाले तीनों के तीनों हैं वो ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट का पार्ट हैं। इसको अपन जो है वो कैटरिंग टेस्ट भी कई जगह लिखा मिलता है, कैटरिंग टेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो जनरली तीनों चीज़ें जो हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को डिनोट करवाती हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान प्रेगनेंसी में अपन करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फॉलोइंग ऑप्शन में से सारी की सारी इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, एक को छोड़ के। इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म मीन्स ऐसा कोई भी डिफेक्ट जो जन्म के साथ है और जिसकी वजह से प्रॉपर मेटाबॉलिज्म किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा है, कंडीशन कहलाती है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन यूरिया, टैक्सेक डिजीज और टर्नर सिंड्रोम। राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है वो जनरली एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, ना कि मेटाबॉलिक का कोई डिसऑर्डर है।
होता इनबोर्न ही है बट मेटाबॉलिज्म एरर नहीं है। क्या है? एक क्रोमोसोमल अनबोर्नटी है, एक एक्स क्रोमोसोमिक्स होने वजह से फीमेल के करेक्टर जो है वो सही से नहीं आ पाते, शॉर्ट स्टेटर अपने को देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, टर्नर सिंड्रोम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द एट्रीब्यूट इट इज सपोज्ड टू बी मेजरिंग इज कॉल्ड एज। यानी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन जो है रिसर्च के टॉपिक से लिया गया है। यानी कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी जो है एक कंसिस्टेंसी की डिग्री है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के मेजर्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो है मेजर करने के लिए काम में लिए गए हैं। तो वैसे वाला प्रोसीजर जो है या जो फॉलोइंग डेफिनेशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो किस चीज़ की डेफिनेशन अपने को दी गई है उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए वैलिडिटी, ऑप्शन बी है रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि एक ही चीज़ पे अपन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हम काम में लेते हैं अलग अलग। फॉर टेम्परेचर चेक करने के लिए अपन तीन टाइप के थर्मामीटर जो हम काम में लेते हैं, अपन देखते हैं किसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे कम वेरिएशन आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, अपने को एग्जैक्ट टेम्परेचर बता रहा है। या अलग अलग रूट काम में ले रहे हैं टेम्परेचर लेने के लिए, एक्जिला ओरल रेक्टल, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर अपने को कौन सा बता रहा है, सबसे रिलायबल मेथड कौन सा है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी का मीन्स क्या होता है कि पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट अपन काम में ले रहे हैं वो पर्टिकुलर उस चीज के लिए वैलिड है कि नहीं है, यानी वो उस चीज का रिजल्ट सही से बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, कंडीशन क्या बोलेंगे वैलिडिटी। जो यूनिट आ रही है, जो आंसर आ रहा है कि इतना इतना टेम्परेचर आ रहा है, वो रिलायबल है कि नहीं है, वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, उसके अंदर ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है, कंडीशन कहलाएगी रिलायबिलिटी। तो चलिए बात करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनल, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, रीनल ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ट्यूबुलर फंक्शन एंड एक्सक्रीशन कैन बी असिस्ट विद द हेल्प ऑफ। यानी फॉलोइंग जो फंक्शन आपको दिए गए हैं, रीनल का ब्लड फ्लो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर फंक्शन है, ये किसके द्वारा अपन पता लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है IVP, नेक्स्ट वन है VCUG, नेक्स्ट वन है रीनल स्कैन और लास्ट वन है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रीनल स्कैन। रीनल स्कैन के थ्रू जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसका पता अपन जो है वो लगा सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन जो किडनी के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्रिसमस ट्री अपीयरेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज सीन इन। यूरिनरी ब्लैडर का जब भी USG करते हैं, एक्सरे या सिटी स्कैन MRI किया जाता है, उसके इसके अंदर अपने को ऐसी इमेज व्हाइट कलर में दिखाई देती है, क्या लगता है कि क्रिसमस का जो ट्री होता है वो बना हुआ है, वो कौन सी डिजीज कंडीशन अपने को देखने को मिलता है? ऑप्शन देखिए एन्यूरेसिस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, न्यूरोलॉजिक या न्यूरोजेनिक ब्लैडर और नेक्स्ट वन है ऑटोनोमस ब्लैडर। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर जनरली जब भी अपन USG एक्सरे करते हैं तो अपने को इमेज दिखाई देती है वहाँ क्लियरली की वाइट कलर के अंदर, जैसे चेस्ट का एक्सरे करते हैं अगर पस वहाँ है फ्लूड वहाँ तो वाइट कलर का दिखाई देता है, वैसे ही इस कंडीशन के अंदर भी अपने को क्या देता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्रिसमस ट्री दिखाई देता है जब भी न्यूरोजेनिक ब्लैडर से अगर पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग ए 22-year-old मेल हु हैज बीन यूजिंग ओपोइड, व्हाट सिम्टम इंडिकेट दैट द नर्स हैज ओवरडोज। यानी एक पेशेंट है इमरजेंसी में लाया गया है, उसको ओपियोइड की ओवरडोज हो गई है। अब नर्स को कैसे पता लगेगा कि ओवरडोज हो गई, कौन सा सिम्टम उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा? ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए है कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपिल एंड हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी है वॉमिटिंग एंड टेकीकार्डिया, ऑप्शन सी है पीपिल डायलेशन एंड हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है ट्रेमर्स एंड अटैक्सिया। तो कौन सा सिम्टम अपने को देखने को मिलेगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपिल और हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो मिलेगा साथ साथ पीपिल जो कॉन्स्ट्रिक्ट मिलेगी। ओपोइड पॉइजनिंग का पहला साइन होता है अगर मॉर्फिन ज़्यादा ले लिया, हेरोइन कोडीन ज़्यादा ले लिया, उस कंडीशन के अंदर पीपल जो क्या हो जाती है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है लोअर। ब्लड प्रेशर लोअर होने के पीछे रीजन क्या रहता है कि ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं डायलेट हो जाती हैं स्टमिन की सिक्रेशन की वजह से।
नेक्स्ट में अगर वोमिटिंग टैकीकार्डिया की बात करें तो वोमिटिंग भी अपने को देखने को मिलती है, हार्ट रेट भी ज़्यादा देखने को मिलती है, बट ये क्लासिकल साइन नहीं है कि ओपोइड की पॉइजनिंग ही हुई है क्या, क्योंकि वोमिटिंग हार्ट रेट ज़्यादा होना अपने को और किसी बीमारी में देखने को मिल सकता है। डी ऑप्शन की बात करें, अगर अटेक्शिया या ट्रेमर्स हैं तो वो एक विड्रोवल सिम्टम है। अगर अपन किसी को एडिक्शन हो गया ओपोइड का और विड्रो कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर जो है वो ट्रेमर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं लेटर स्टेज के अंदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूटेड पीपिल एंड हाइपो टेंशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। क्लाइंट रिसीविंग टीपीएन वाया सीवीपी कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन एंड डिस्निया टेकीकार्डिया, विच कॉम्प्लिकेशन नर्स नीड टू सस्पेक्ट। यानी ये साइन है, चेस्ट पेन उसको हो रहा है, डिस्निया उसको हो रहा है, टेकीकार्डिया उसको हो रहा है, तो अगर वो टीपीएन दे रहा है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सीवीपी लाइन से ले रहा है तो फॉलोइंग में से कौन सा डायग्नोसिस अपने को देखने को मिलेगा। कंडीशन देखिए, फर्स्ट वन हाइपोग्लासीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ऑप्शन सी सेप्सिस, ऑप्शन डी एयर एम्बोलिज्म। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म जो है फॉलोइंग जो साइन दिए गए क्वेश्चन के अंदर वो सारे के सारे किसको डिनोट करते हैं, एयर एम्बोलिज्म को। अगर वहाँ हाइपोग्लाइसीमिया होता तो शुगर लेवल जो है वो भी कम मिलता है, इसके अलावा डायफोरेसिस वगैरह यानी पेशेंट को पसीना है वो ज़्यादा आता, रेस्पिरेशन रेट जो है वो जनरली बढ़ जाती। बात करें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस में पेशेंट जो इरिटेट हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हैं वो जनरली अपने को देखने को मिलते हैं। सेप्सिस के अंदर जनरली बॉडी का टेम्परेचर जो हो क्या होता है बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन हो गया होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एयर एम्बोलिज्म। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए क्लाइंट हु हैज बीन सेक्सुअली असोल्टेड इज। एक क्लाइंट है जो जिसका नर्सिंग इंटरवेंशन करना है, जिसको सेक्सुअली असोल्ट किया गया है, तो नर्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ऑप्शन देखिए, ट्रीट अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट, इन्फॉर्म द एनजीओ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। चारों की चारों नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, बट सबसे पहला काम क्या करना है उसको, तो कमेंट करके बताएं आप राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रीट अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हो सकता है कि मैं उसकी जान से ले, सबसे पहले उसको ट्रीट करना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग जो है साइकिल सपोर्ट ये सारे के सारे हैं वो बाद के काम है। तो राइट आंसर क्या होगा उसका, ऑप्शन ए ट्रीट द मेडिकल इमरजेंसी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिस हो गया बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेटेड एंड कमांड द ग्रुप इज। यानी एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर ऐसी कौन सी टाइप की लीडरशिप स्टाइल होगी जिसके अंदर एक ही आदमी डोमिनेट करता है, कमांड करता है। ऑप्शन देखिए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, सिचुएशनल, लेजिस फेयर। चार टाइप की जो लीडरशिप स्टाइल है वो दी गई हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मीन्स क्या होता है कि जो भी पर्सन लीडर होता है सिर्फ और सिर्फ उसी के आदेश जो हैं, उसी के रूल रेगुलेशन जो हैं पूरे ग्रुप में चलते हैं, वो एकमात्र होता है रूल बनाने वाला, सारे के सारे जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। बात करें डेमोक्रेटिक की, डेमोक्रेटिक का मीन्स कैसे इंडिया के अंदर है, सब जो हैं अपना अपना फैसला जो है खुद ले सकते हैं, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग भी और अपने पर्सनल डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। बात करें सिचुएशनल की, सिचुएशन का मीन्स क्या, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है उसी के अकॉर्डिंग जो है पर्सन जो है अपने डिसीजन जो है वो लेता है। बात करें लेजिस्फेयर की, तो लेजिस्फेयर रहते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो मींस जो लीडर होता है किसी भी ग्रुप का, वो लीडर प्रॉपर डोमिनेंस उसकी नहीं होती है, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं रहता है, उसका बिल्कुल भी ग्रुप के ऊपर कमांड जो है वो नहीं रहता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेजिस्फेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑटोक्रेटिक। यानी ऑटोक्रेटिक क्या होता है, कंटिन्यूसली वो सारे के सारे कमांड जो है या जो भी डिसीजन है वो सिर्फ एक ही पर्सन के होते हैं पूरे ग्रुप में, कंडीशन को बोलते हैं लेजिस्फेयर, उस स्टाइल को बोलते हैं अपन लीडरशिप स्टाइल को ऑटोक्रेटिक। तो ये था अपना आज का एक छोटा सा और क्वेश्चन सेशन। कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज आप जुड़े रहिए। अभी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।